नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंगलाल गाड़गी आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो चल रहा था, जिसके अंदर हमने पुरातात्विक साक्ष्यों की बात कर ली थी, आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोतों का हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में हमारा क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम आज विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत में विशाल साहित्य का सृजन हुआ है। इन साहित्य ग्रंथों ने शायद ही मानव जीवन के किसी ऐसे पक्ष को छोड़ा है जिसके ऊपर विचार, चिंतन, मनन और लेखन नहीं किया है। इन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राचीन राजाओं, उनकी राजवंशावलियों व उनके द्वारा किए गए कृत्यों की जानकारी मिलती है। साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन की जो जानकारी है हमें इन्हीं साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहासकारों ने साहित्य को दो भागों में विभाजित किया है, धार्मिक साहित्य व धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य, भारत देश है वो प्राचीन समय से ही धर्म प्रधान देश रहा है। इसके चलते भारत में अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथ लिखे गए, जिनके माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास और अतीत के दबे हुए राज हैं जो हमारे सामने आए हैं। इन धर्म ग्रंथों से तात्पर्य है कि जिससे हमारा इतिहास है वह जानने में सहायक होते हैं। धर्म मान, इसमें धर्म से तात्पर्य है कि धर्म है जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक है, साथ ही वह मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। जिससे मानव है वह किसी एक धर्म विशेष के आधार पर चलकर अपने जीवन के कार्यों को पूर्ण करता है, वह अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। बहुत से धार्मिक साहित्य हैं जिनके माध्यम से इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में मुख्यतः तीन धर्म प्रचलित थे, जिनकी जो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे, जिनके आधार पर ही बहुत से व्यक्तियों ने इनके ऊपर साहित्य लिखे हैं, जिनमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है जो हमारे सामने निखर कर आते हैं। आज हम इसके अंदर बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बौद्ध साहित्य के अंदर, ब्राह्मण साहित्य के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। वेदों को ब्राह्मण साहित्य के अंदर सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। वेद का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। वेदों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के ज्ञान की प्राप्ति होती है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी धार्मिक संस्थाएं मौजूद थी, वो हमें इन वेदों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। वेद है से है किसी मानव के द्वारा रचित नहीं है, वह ईश्वरीय कृत्य है। प्रमुख वेद हैं वो चार हैं, जिनमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर आर्यों के आगमन, भौगोलिक प्रवेश व उनकी तत्कालीन उदयमान राजकीय संस्थाएं व तत्कालीन धार्मिक विश्वास
और साथ ही उनके गुण धर्म आदि सबके बारे में जो हमें जानकारी है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद है जो यज्ञ और कर्मकांड प्रदान वेद है, इसके माध्यम से हमें आर्यों की वैदिक क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वह कौन कौन से यज्ञ किया करते थे, वह किस किस प्रकार से कौन से यज्ञों में कैसा अनुष्ठान किया करते थे, इन सब की जानकारियां है वो हमें यजुर्वेद से मिलती है। सामवेद, सामवेद में यज्ञ व कर्मकांड के समय जो गाए जाने वाले मंत्र है उनका सस्वर वाचन किया गया है। इन मंत्रों का यज्ञ के दौरान सस्वर वाचन कर देवताओं की स्तुति की जाती थी। अथर्ववेद, अथर्ववेद है जो सबसे बाद में लिखा गया था। इस वेद के अंदर बहुआयामी जानकारी है जो हमें प्राप्त होती है। इस वेद के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो वैदिक आर्य थे वह पूर्व की ओर अग्रसर हुए थे, साथ ही उनके धार्मिक विश्वास, धार्मिक संस्थाएं, गुण धर्म और जादू टोना टोटका, रोग निवारक मंत्रों आदि सब की जो जानकारी है जो हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। वेदों के माध्यम से हमें तत्कालीन जातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन विवाह जैसी संस्था है वो भी मौजूद थी आदि सब की जानकारी है जो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, वह वेदों से हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना है वो वेदों के बाद में की गई थी। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना करने के पीछे उद्देश्य था वेदों की सरल व्याख्या हेतु ही इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इन वैदिक आर्यों के कर्म कांड यज्ञ अनुष्ठानों के अंदर जटिलता आती गई और इनके जो दार्शनिक व बोधगम में से रहस्य उद्घाटन हो पाना संभव नहीं था। इसीलिए मानव व आम जन को इन रहस्यों की जानकारी देने के लिए वेदों की सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से है हमें तत्कालीन धार्मिक स्थिति, उनके द्वारा किस प्रकार की जो धर्म व्यवस्था थी उनकी जानकारी मिलती है, साथ ही तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि हम बात करें ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक की है जो उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और सामवेद का पंचमीश ब्राह्मण है और अथर्ववेद का कौपत ब्राह्मण है। ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिक की, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचमीश ब्राह्मण और अथर्ववेद का कौपत ब्राह्मण निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथ है। और भी बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ है जिनकी रचना हुई थी। इनके माध्यम से हमें और भी इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि हम बात करें परीक्षित व बिंबसार से पूर्व की जो जानकारी है वो हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है। वह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं पर राजनीति की जानकारी भी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अंदर कुरु, विदेह, पांचाल आदि जनपदों के बारे में भी जानकारी है जो प्राप्त होती है। इसके अलावा
अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें भी बहुत से इतिहास के रहे राजों की जानकारी है जो हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथों की रचना है वह ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात हुई थी। आरण्यक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनका चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन, लेखन आदि सब है वो जंगल के अंदर होता है। इसी कारण इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया है। इन ग्रंथों के माध्यम से गूढ़ व गहरे रहस्यात्मक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है जिसमें गहरे चिंतन, मनन व एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। वह स्थान है जो केवल जंगल में प्राप्त होता है। इस कारण इन ग्रंथों की रचना, अध्ययन, अध्यापन का जो कार्य है वो जंगलों में किया जाता था। आरण्यक ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से ज्ञान मार्ग की विचारधारा का बीजारोपण होता है। आरण्यक ग्रंथ है जो चिंतन मनन की ओर मानव को ले जाते हैं। इनके माध्यम से मानव जीवन है जिसमें चिंतन और मनन की शुरुआत हुई थी। आरण्यक ग्रंथों की बात करें जैसे ऐत्रेय महत्वपूर्ण आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथों से अन्य इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। उपनिषद का सामान्य अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। मुख्य रूप से 108 उपनिषद माने गए हैं, परंतु इनमें भी 12 उपनिषद हैं वो सर्व प्रमुख हैं। जिनकी हम बात करें तो ईसन, ईसो उपनिषद, केन, कंठ, मुंडक, मांडुके, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, वादरायण, श्वेतासर, मैत्रणी और कौशिकी। यह जो 12 प्रमुख उपनिषद हैं, इनके अंदर भारतीय इतिहास के बहुत सी जानकारियां हैं, लग्न हैं। इनके माध्यम से हमें धार्मिक विश्वास व तत्कालीन मंत्र व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था और तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक स्थिति और सामाजिक दशा दिशा पर है जो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद है वह ज्ञान मार्ग की है, वह कर्मकांड और यज्ञों की आलोचना करते हैं, वह ज्ञान मार्ग की है और साथ ही बहुदेववाद का खंडन करते हुए परम सत्य की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों के माध्यम से हमें अनेक इतिहास की पता चलता है, राजवंशों के बारे में भी जानकारियां मिलती है। अब हम बात करते हैं वेदांत। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद और वेद को हम सही जो है अपौरुष से कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना है वो किसी पुरुष के द्वारा न होकर ईश्वरीय मानी गई है। वेदांग है, वेदांग को इसके अंदर नहीं रखा गया। वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुप, छंद, ज्योतिष आदि के अंदर इसको बांटा गया है। वेदांग से भी भारतीय इतिहास के बहुत से गहरे राज हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिससे इतिहासकारों को इतिहास लिखने में बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई है। सूत्र साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ग्रंथों के अंदर सूत्र साहित्य ग्रंथों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सूत्र साहित्य ग्रंथों के माध्यम से हमें मानव जीवन के अनेक पक्षों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र साहित्य में हम कल्प सूत्र को मानते हैं। कल्प सूत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
श्रोता सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, इन तीन भागों में कल्प सूत्र को विभाजित किया गया। श्रोता सूत्र के अंतर्गत इसमें तत्कालीन मानव जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इतिहास पर इससे हमें अच्छी पकड़ मिलती है और अतीत के राज में जो उजागर होते हैं। ग्रह सूत्र के माध्यम से हमें मानव जीवन के दैनिक उपयोग में आने वाले कार्यक्रमों और मानव के नैतिक उत्थान और नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही मानव के द्वारा किए गए उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य, कृषि व उपनयन संस्कार आदि सब के बारे में जो हमें जानकारी है वो ग्रह सूत्र से मिलती है। धर्म सूत्र के माध्यम से हमें उनके धार्मिक जीवन, धार्मिक व्यवस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, साथ ही वर्ण व्यवस्था, शिक्षा और अनेक संस्थाओं के बारे में है जो हमें जानकारी है जो धर्म सूत्र के माध्यम से मिलती है। अब हम बात करते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य भी एक महत्वपूर्ण अंग है ब्राह्मण साहित्य का। इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी को निखार कर प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से मानव जीवन के अनेक पक्षों पर बहुत अच्छी तरह से इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम कुछ स्मृतियों के बारे में बात करें, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है आदि स्मृतियां। इसके अलावा अनेक प्रकार की बहुत सी स्मृतियां हैं और इन स्मृतियों पर उसके पश्चात के काल में अनेक टीकाएं भी लिखी गई थी। इन स्मृतियों के माध्यम से मानव जीवन के छोटे छोटे पक्षों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। छोटे छोटे पक्षों की जानकारी है जो हमें इन्हीं स्मृति साहित्य से मिलती है। इतिहास में इन स्मृति साहित्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। इन स्मृतियों का जिसे मनुस्मृति का निर्माण है वो किसी एक समय में नहीं होकर अलग अलग कालखंडों में हुआ है। अब हम बात करते हैं महाकाव्यों की। प्राचीन भारत के जो दो महाकाव्य हैं उनका भी भारतीय इतिहास को जानने में बहुत बड़ा योगदान है। रामायण और महाभारत है जो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं। इनके माध्यम से हमें तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व अन्य राजाओं, राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उनके भौगोलिक क्षेत्र और उनके द्वारा किए गए कृत्यों की जानकारी है जो हमें इनसे प्राप्त होती है। वस्तुतः इन्हें दोनों महाकाव्यों की जो रचना है किसी एक कालखंड में न होकर अलग अलग समयों में हुई है। वर्तमान में जो इनका रूप है वो हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसमें रोचकतापूर्ण है, रोचकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में फिर भी सामाजिक, तत्कालीन सामाजिक स्थिति की वह संस्कृति की जो जानकारी है वह हमें प्राप्त होती है। साथ ही मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि तत्कालीन परिवेश में भी मानव है वो किस प्रकार से अपना जीवन जीता था, कितना ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक, उदारवादी विचारों वाला मानव था। इसके पश्चात हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों के माध्यम से हमें इतिहास के अनेक पहलुओं पर जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः 18 पुराणों को माना गया है जिनमें मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण है जो प्राचीनतम पुराणों की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात के जो पुराण है वो बाद में लिखे गए। पुराणों के माध्यम से हमें अनेक राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे शुंग है, सातवाहन है, मौर्य है, आंध्रवंश है, कणव है आदि राजवंशों की जानकारी है जो हमें पुराणों के माध्यम से प्राप्त होती है। और इनके माध्यम से हमें तत्कालीन सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, व्यापार, वाणिज्य, कृषि व तत्कालीन धार्मिक
स्थिति के बारे में भी जानकारी होती है। इन पुराणों के माध्यम से हमें सृष्टि के निर्माता, सृष्टि का जो है विनाश कैसे होगा, इस प्रकार की जानकारियां भी है जो हमें इन्हीं पुराणों के माध्यम से प्राप्त होती है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।